ओके तो भाई फाइनली अब सब कुछ खत्म हो चुका है भाई। कोडी रोड्स आपके न्यू चैंपियन है। रोमा रेंज भाई अब ट्राइबल चिप नहीं रहे, रोमा रेंज अब चैंपियन नहीं रहे। एक्जेक्टली भाई रोमा रेंज को इस मैच के अंदर भाई कैसे हराया गया मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई रेसलमेनिया के अंदर हमें कोडी रोड्स का भाई जो एंट्रेंस देखने को मिलता है वो सच में काफी कमाल का एंट्रेंस। कोडी रोड्स की जो पटाखा पत्नी होती है भाई मतलब उनके सर का क्रॉन को उठाती है, मतलब बताती कि हाँ तुम जाओ विजयी हो। भाई मैंने जो स्पेशल एंट्रेंस देखा था मैं यहीं से समझ गया था कि भाई मतलब माजरा मतलब होने वाला। इसके बाद भाई हमें रोमा रेंज का एंट्रेंस देखने को मिलता है जो कि भाई बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था। भाई कुछ देर बाद भाई इन दोनों रेसलर के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। भाई ये मैच मतलब बहुत स्लो फेस से स्टार्ट हुआ। कोडी रोड्स रोमा रेंज को ऊपर अटैक कर रहे हैं, रोमा रेंज कोडी रोड्स को ऊपर अटैक कर रहे हैं। कोडी रोड्स तो भाई मैच का स्टार्टिंग में टेबल निकालना शुरू कर दिए थे पर भाई रोमा रेंज टेबल को अंदर डाल दे रहे थे। कुछ देर बाद हमें क्या देखने को मिलता है भाई रोमा रेंज खुद ही अंदर से कैंडो स्टिक निकालकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कोडी रोड्स को भाई बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कैंडो स्टिक से मतलब वो पीटते हैं। इसके बाद भाई दोनों रेसलर भाई फाइट करते करते ऑडियंस के बीच में चले जाते हैं। भाई वहां भी बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। यहाँ पर भाई रोमा रेंज को भाई मतलब टेबल के ऊपर कोडी रोड्स को पटकना था पर भाई कोडी रोड्स ने उल्टा रोमा रेंज को ही पटक दिया टेबल को। इसके बाद भाई नेक्स्ट हमें रिंग के अंदर दोनों रेसलर फिर से हमें देखने को मिलते हैं, मतलब रोमा रेंज यहाँ पर पावर बॉम्ब वगैरह सारा चीज लगाते हैं। हमें भाई इस मैच के बीच में बड़ा कमाल का चीज देखने को मिला। भाई रोमा रेंज ने क्रॉस रोड्स लगाया मतलब कोडी रोड्स का फिनिशर लगा। रोमा रेंज भाई यहाँ पर सोचते हैं कि शायद से कोडी रोड्स भाई अपने फिनिशर को ऊपर किकआउट नहीं कर पाएंगे पर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स ने बहुत आसान तरीके से किकआउट भाई कर लिया। इसके बाद भाई हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है भाई कोडी रोड्स भाई रिंग साइड के बाहर आते हैं, सारे टेबल वगैरह सारा चीज को साफ करते हैं। जैसे ही भाई रोमा रेंज को उठाकर मतलब टेबल के ऊपर ले जाने वाला तो भाई रोमा रेंज यहाँ पर लोबलो का यूज कर देते हैं। लोबलो का यूज करने के बाद भाई कोडी रोड्स का हालत भाई बिल्कुल खराब हो चुका था। उसके बाद भाई रोमा रेंज मतलब पॉपअप पावर बॉम्ब भी लगा देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पर भाई जैसे रिंग के अंदर लेके जाते हैं भाई मतलब स्टील कोडी रोड्स यहाँ पर किकआउट कर देते हैं। ट्रैवल चिप रोमा रेंज भाई इसके बाद स्पीयर भी लगाने का कोशिश करते हैं पर भाई आपको पता है भाई रोमा रेंज का कभी मतलब स्पीयर लगता ही नहीं। रोड्स उसको बहुत आसानी तरीके से क्रॉस रोड्स भाई यहाँ पर काउंटर कर देते हैं बहुत आसान तरीके। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है भाई कोडी रोड्स भाई यहाँ पर क्रॉस रोड्स पर क्रॉस रोड्स लगाना शुरू कर दिए रोमा रेंज को। पर एक क्रॉस रोड्स लगता है, दो लगता है, भाई तीन तीन क्रॉस रोड्स यहाँ पर रोमा रेंज को लगा। फिर भाई हमें तभी लास्ट में हमें जिमी उसको देखने को मिलता है जो कि भाई आकर रोमा रेंज को मतलब सेव कर रोमा रेंज भाई इसका फायदा उठाकर सबसे पहले भाई कोडी रोड्स को यहाँ पर सुपरमैन पंच भी यहाँ पर मारा। भाई आपको पता है भाई जे उसको करेंट में रोमा रेंज के अगेंस्ट है तो भाई जे उसको भी हमें वहां पर देखने को मिलता है जो कि जिमी उसको ऊपर आकर अटैक कर देता है। लास्ट में जे उसको जिमी उसको दोनों भाई होते हैं भाई मतलब टेबल के ऊपर भाई दोनों गिर जाते हैं, एक दूसरे को स्पीयर लगा देते। जे उसको ने भाई यहाँ पर मतलब रैम से जिमी उसको स्पीयर लगा दिया था, दोनों का मामला खत्म हो जाता है। इसके बाद भाई रोमा रेंज की तरफ से हमें स्पीयर देखने को मिलता है। रोमा रेंज यहाँ पर पिन करने का कोशिश करते हैं पर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स किकआउट कर देते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है भाई दोनों ही रेसलर मतलब फाइट करते करते भाई रिंग से नीचे उतर जाते हैं। भाई आप बिलीव नहीं करोगे भाई कोडी रोड्स भाई यहाँ पर बैरिकेड के थ्रू यहाँ पर रोमा रेंज को भाई बड़ा खतरनाक वाला स्पीयर लगा। इस पॉइंट पर भाई रोमा रेंज का भाई बिल्कुल पूरी तरीके से हालत भाई बिल्कुल खराब हो चुका है। जैसा भाई पिछला साल कोडी रोड्स किए तो भाई रोमा रेंज को मतलब क्रॉस रोड्स लगाने का यहाँ पर तैयारी कर लिया। भाई जैसे वो क्रॉस रोड्स लगाना शुरू करते हैं भाई पिछला साल वाला फिर से यहाँ पर सीन हो जाता है। सोलो सिकोवा भाई यहाँ पर आउट ऑफ नो वेयर भाई आ जाते हैं। उसके बाद सोलो सिकोवा भाई समोन स्पाइक लगा देते हैं कोडी रोड्स। फिर मतलब वो रोमा रेंज को उठाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर लेकर रखते हैं कि मतलब भाई अब तुम पिन कर ले। भाई इतना करने के बाद भी मतलब यहाँ पर कोडी रोड्स भाई स्टील किक आउट कर देते हैं मतलब समोन स्पाइक लगने के बाद। सोलो सिकोवा का भाई यहाँ पर हालत खराब होता है। भाई सोलो सिकोवा सोचते हैं कि मतलब अब हम क्या करें, अब तो समोन स्पाइक भी लगा दिए। उसके बाद भाई रोमा रेंज को बोलते हैं कि चलो एक काम कर, समोन स्पाइक और स्पीयर एक साथ दोनों लगा। एग्जैक्टली भाई समोन स्पाइक और मतलब हमें स्पीयर दोनों एक साथ देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी भाई यहाँ पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। फिर भाई जैसा कि मैं आपको बताया था भाई हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हमें जॉन सिन्हा हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। जॉन सिन्हा भाई सबसे पहले सोलो सिकोवा को मारते हैं। उसके बाद भाई रोमा रेंज को एटीट्यूड एडजस्टमेंट रिंग के अंदर लगाते हैं। फिर भाई वो मारते मारते सोलो सिकोवा को रिंग के बाहर ले आते हैं। भाई सोलो सिकोवा को रिंग के बाहर जाकर एटीट्यूड एडजस्टमेंट टेबल के ऊपर लगा देते हैं। और इस तरीके से भाई यहाँ पर मतलब सोलो सिकोवा जिमी उसो दोनों का मतलब गेम खत्म हो चुका है। भाई ब्लड लाइन के एक और मेंबर बचे हुए थे जो कि थे हमारे ब्रामा बुल दी रॉक। उसके बाद भाई हमें रॉक देखने को मिलते हैं। 11 सालों बाद रॉक और जॉन सिन्हा भाई सेम रिंग के अंदर थे एक दूसरे के साथ। ये मूवमेंट भाई अपने आप में सबसे आइकॉनिक मूवमेंट था, सबसे ग्रेट मूवमेंट था रेसलिंग हिस्ट्री। भाई तभी हमें रॉक के तरफ से भाई हमें रॉक बॉटम जॉन सिन्हा के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद भाई फाइनली हमें सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद भाई लास्ट हमें अंडरटेकर देखने को मिलता है। हाँ भाई अंडरटेकर ने भाई मतलब रॉक का बैंड बजा दिया, मतलब लाइट जलता है, लाइट बुझता है। उसके बाद भाई मतलब रॉक वहां पर पड़े हुए। भाई मैच के लास्ट में क्या सीन देखने को मिलता है, भाई चेयर सामने रखा हुआ था, एक साइड कोडी रोड्स थे, एक साइड हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस थे। सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर शील्ड का ड्रेस पहनकर आए थे। भाई चेयर था जो कि रोमा रेंज के हाथ में था। रोमा रेंज भाई यहाँ पर एग्जैक्टली 10 साल पुराना सेथ रॉलिंस से बदला लेते हैं। जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने रोमा रेंज को 10 साल पहले मारा था एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर भाई मतलब सेथ रॉलिंस का गेम मतलब भाई ओवरऑल यहाँ पर खत्म हो चुका था। भाई रिंग के अंदर बसते हैं रोमा रेंज और कोडी रोड्स। भाई कोडी रोड्स भाई यहाँ पर लगातार 3 क्रॉस रोड्स लगाकर फाइनली रोमा रेंज को भाई डिथ्रोन कर देते हैं। आप लोग एक बात भाई इस मैच के अंदर याद रखिएगा, भाई रोमा रेंज हारे नहीं है, रोमा रेंज को हराया गया, कोडी रोड्स जीते नहीं, भाई कोडी रोड्स को जिताया गया है। मैंने जो आपको फोटो दिखाया था कि लेजेंड आएंगे, लेजेंड खुद मतलब कोडी रोड्स के हाथ में चैंपियंस बेल्ट देंगे जो कि एग्जैक्टली हमें देखने को भी मैंने मिला। जो बोला था वो चीज एग्जैक्टली सही हुआ, कोडी रोड्स आपके न्यू चैंपियन। अब सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी क्योंकि भाई नेक्स्ट वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला। मैं आप
आपको एक्जेक्टली रीजन बताने वाला हूँ रोमन रेंस का हारने का। हाँ भाई, आप लोग सारा लोग भाई कमेंट सेक्शन में रो सकते हो, मतलब खुली आजादी है मेरे तरफ से।